हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टाटवन क्लासेस की प्यारे सी यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की लास्ट अध्याय की वैद्युत चुंबकीय तरंगों। अब उनमें जितनी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है प्यारे बच्चों, उस पे आधार पे जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों की आज हम चर्चा करने वाले प्यारे बच्चों। हम आपको बता दें, आज हम विस्थापन धारा के टॉपिक पर न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे, यानी आज का जो न्यूमेरिकल रहने वाला प्यारे बच्चों विस्थापन धारा पे आधारित है, तो आज हम उनका अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए प्यारे बच्चों। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे इस समय दिखाई पड़ रहा होगा, और जो कि साथ साथ हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के 2019 के सत्र में पूछा गया, अर्थात सॉरी 2017 में पूछा गया, 19 में नहीं पूछा गया, ये प्रश्न 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब सवाल आप पढ़ ही लिए होंगे, हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। प्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंगे में चुंबकीय क्षेत्र का जो शिखर मान है वो 2×10⁻¹ टेस्ला है। प्यारे बच्चों, जब चुंबकीय क्षेत्र की शिखर मान की बात करता तो जैसे हम लोग धारा का शिखर मान आई नॉट से व्यक्त करते थे, वैसे चुंबकीय क्षेत्र के शिखर मान को बी नॉट से व्यक्त करते हैं, और बी नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, 2×10⁻¹ टेस्ला दिया है। साथ में कह रहा वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान ज्ञात कीजिए, मतलब ई नॉट यानी ई नॉट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब प्यारे बच्चों, अब ये चीज आपको ज्ञात करनी है, तो अब आप करेंगे क्या, आप कैसे इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों। तो हमने एक विद्युत चुंबकीय तरंगों का अभिलक्षण पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र का शिखर मान और चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान का अनुपात जो होता है वो निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के चाल के बराबर होता है। क्या आपने ये फार्मूला नहीं पढ़ा है प्यारे बच्चों? पढ़ा है तो आज हम उसी फार्मूले से लगाएंगे प्यारे बच्चों। तो हमने पढ़ा भी है क्या, हम जानते हैं कि जो सी होता है वो ई नॉट अपान बी नॉट के अनुपात के बराबर होता है। हमको ज्ञात क्या करना है, ई नॉट ज्ञात करना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ई नॉट इक्वल टू आ जाएगा बी नॉट इंटू सी। बी नॉट की वैल्यू है 2×10⁻¹ टेस्ला, और सी का मान है 3×10⁸। भैया बिरादर दोनों लोग हो गए, इसलिए दोनों की हो गई विदाई उदाई, चले गए अपने घर, फिर दो त्याई कितने हो गए, 6। तो ई नॉट की वैल्यू आ गई 6। अब आप इनका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो जानते होंगे ना कि नहीं जानते? चलिए जाने दीजिए प्यारे बच्चों, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो ये आगे आपके फर्स्ट क्वेश्चन का देख सकते, एक बार आंसर मैच करा लेते हैं, क्या 2017 में जो पूछा गया प्रश्न है वो इस बार के यूपी बोर्ड वाले प्यारे बच्चे हल कर सकते हैं। काफी लोगों ने हल कर लिया होगा, आप लोगों ने बिल्कुल आपका यही आंसर आया प्यारे बच्चों, E इक्वल टू क्या आया है, हाँ वैद्युत क्षेत्र का जो शिखर मान है वो 6 वोल्ट प्रति मीटर आया है। हम लोगों ने न्यूटन प्रति कूलाम रखा है, कोई दिक्कत नहीं, यही माप रखे वो भी माप रखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम प्यारे बच्चों बात करेंगे सेकेंड प्रश्न का, जो कि आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, ये 2017 में भी पूछा गया है, परंतु अंतर ये है प्यारे बच्चों कि ये एक नंबर का था, अब जो प्रश्न आपका है वो दो नंबर का है, यानी दो मार्क आपको देके जाएगा यूपी बोर्ड के 2017 में एग्जाम में पूछा गया। चलो अब हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं भैया। तब आपको स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, क्या करा, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग एक्स दिशा में गतिमान है। किस दिशा में गतिमान है, एक्स अक्ष की दिशा में प्यारे बच्चों। हमने जब ये बनाया था तो ये एक्स माना था, फिर उसके बाद वाई माना था, फिर ये आपका जेड था, तो जो तरंग है वो एक्स अक्ष की दिशा में जा रहा है। आगे सुनिए, आकाश में किसी बिंदु पर इसकी चुंबकीय क्षेत्र, अब आकाश हम मान सकते हैं ये आकाश हो गया, इसके किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो 1×10⁻¹ टेस्ला है। B की वैल्यू है 1×10⁻¹ टेस्ला। फिर आगे जे कैप दिया है प्यारे बच्चों, इस जे कैप की वैल्यू है, इसलिए हमने जे कैप लिखा। जे कैप का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो जे होता है वो वाई अक्ष को व्यक्त करता है, जो के होता है वो जेड अक्ष को, और आई जो है एक्स अक्ष को। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है
चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो वाई अक्ष की तरफ है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E का मान क्या होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना प्यारे बच्चों। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र B है 1×10⁻⁸ टेस्ला है, और साथ में इसी बिंदु पर यानी जो ये आकाश में जिस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र ये है, चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान इतना है, उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का शिखर मान कितना होगा, और C की वैल्यू हमारे पास है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्यारे बच्चों मैं 5 सेकंड का आपको समय देता हूं। प्यारे बच्चों 5 सेकंड में आप देखते हैं ये क्वेश्चन का जवाब कितने लोगों ने कमेंट बॉक्स में दे लेते हैं। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप अच्छा सा रिप्लाई देंगे इसका। हो सकता है कि 5 सेकंड हो भी गया होगा, 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी हो गया होगा हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, काफी लोगों ने लगा भी लिए होंगे। प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं आखिरकार कि विद्युत क्षेत्र का जो शिखर मान क्या होगा। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला भी हमने इससे पहले वाले सवाल में देखा था, C इक्वल टू होता ई नॉट अपॉन बी नॉट। अब आपसे ई नॉट पूछा है प्यारे बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ई नॉट बराबर हो जाएगा सी इंटू बी नॉट। अब सी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 3×10⁸ है। बी नॉट की वैल्यू 1×10⁻⁸ है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3×1 का 3 तो 3 हो जाएंगे। चाहो आप लिख लो वोल्ट प्रति क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये ई नॉट की वैल्यू यहां मिल गई, ये लीजिए। तो इस प्रकार आपका पहला और दूसरा दोनों सवाल कंप्लीट होते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। तो गाइस बात करेंगे अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा, ये भी 2017 के ही एग्जाम में पूछा गया है। क्या करा, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम, मतलब आयाम यानी शिखर मान ई नॉट आपको दिया गया। कितना दिया है, ई नॉट की वैल्यू आपको दी गई है 120 न्यूटन प्रति कूलाम। ई नॉट की वैल्यू है 120 न्यूटन प्रति कूलाम। प्यारे बच्चों फिर उसके बाद क्या करा कि तथा आवृत्ति 50 मेगा हर्ट्ज है, 50 मेगा हर्ट्ज। तो मेगा को अगर हम हर्ट्ज में बदल दें तो अच्छी बात रहेगी प्यारे बच्चों, या अगर आपको नहीं बदलने हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं, अगर बदलने हैं तो बदल दीजिए। अब मेगा की जो बात होती है, मेगा को केवल हर्ट्ज में बदलने के लिए प्यारे बच्चों 10⁻⁶ का गुना करते हैं। 10⁻⁶ का क्या करते हैं, गुना करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इन्हें हम क्या कर देंगे, आवृत्ति है तो 50 गुने मेगा को हटाने के लिए 10⁻⁶ का गुना कर देंगे, ये एफ की वैल्यू आ गई। आगे क्या कर रहा है, ई तथा बी के लिए समीकरण प्राप्त कीजिए, अर्थात ई और बी के लिए आपको समीकरण प्राप्त करने हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, और ये प्रश्न आपको 2017 में पूछा गया है। यदि हम बात करें प्यारे बच्चों ई विद्युत क्षेत्र के लिए समीकरण और चुंबकीय क्षेत्र के लिए समीकरण, यदि हम बात करें कि विद्युत क्षेत्र के लिए समीकरण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए समीकरण क्या होता है, उसके लिए अगर हम व्यंजक लिख लें तो और आसान रहने वाली है आपको सवाल लगाने के लिए। प्यारे बच्चों तो आइए हम चर्चा करते हैं कि ई नॉट यानी विद्युत क्षेत्र के लिए समीकरण क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र के लिए समीकरण क्या होता है। तो भाई विद्युत क्षेत्र के लिए जो समीकरण होता है, विद्युत क्षेत्र के लिए जो समीकरण होता है प्यारे बच्चों वो क्या है, समीकरण है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होता है। और अगर हम बात करें B के लिए तो B के लिए भी वही होगा, B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही होता है B के लिए भी और E के लिए भी। अब हमको इनमें से जरूरत किसकी पड़ने वाली है, जैसे कि E नॉट की जरूरत पड़ेगी, फिर ओमेगा की जरूरत पड़ती है, फिर उसके बाद आपको K की जरूरत पड़ने वाली, देख रहे हैं। तो आइए हम सबको निकालते हैं। सबसे पहले
यदि यहां पर ई नॉट दिया है, ई नॉट के माध्यम से हम बी नॉट ज्ञात कर सकते हैं, तो बी नॉट ज्ञात करते हैं। तो अब हम ज्ञात करेंगे पहले चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान क्या प्यारे बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। अब जो चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान होता है, अगर हम उसकी चर्चा करें तो वो कितना है, देख रहे हैं? अब आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बी नॉट इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट बटे सी। ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 120, और सी की वैल्यू है 3 × 10⁸। चलिए कटा दीजिए तो ये 40 आ जाएगा, ये चीज ऊपर चला जाएगा, तो 40 × 10⁻⁸ ये बी नॉट की वैल्यू मिल गई। ये आपको बी नॉट की वैल्यू मिल गई। क्या इतनी बात क्लियर हो रही होंगी? बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, उस बात को ध्यान देना है। अब आपको ओमेगा की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि ओमेगा ओमेगा वहां पर भी है। देखिए तो अब हम लिखेंगे ओमेगा। ओमेगा होती है वह प्यारे बच्चों कोणीय कोणीय वेग, कोणीय वेग। तो ओमेगा की व्यंजक हम जानते हैं, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई f। ये हमने पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f। अब 2 पाई की वैल्यू 3.14 और f की वैल्यू है 50 × 10⁶। अब ये पॉइंट हम हटाएंगे तो यहां से डबल जीरो लग जाएगा, और 2 ठो यहां से पावर कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 50 × 100 और 100 × 314। अब वहां 10⁴ है, 4 और ये पावर 2 मिल के 6 हो गए, तो 314 × 10⁶ क्या हो गए, 6 हो गए। अब ओमेगा की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 314 × 10⁶। यदि आप यहां पर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, अगर नहीं तो पॉइंट को 2 अंक आगे ले आइएगा, 1 2। जब दशमलव को आप 2 अंक आगे लेके आएंगे तो 3.14, ये 10⁶ + 2 हो जाएगा, 3.14 × 10⁸ क्या हो जाएगा, 8। 10⁸ रेडियन प्रति सेकंड, ठीक, रेडियन प्रति सेकंड। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। अभी भी आपको यहां पर के की जरूरत है, तो के इक्वल टू क्या होता, उस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको बता देते हैं पहले बच्चों के बराबर फार्मूला क्या होता है। के इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों ओमेगा अपान सी। के इक्वल टू होता है ओमेगा अपान सी। अब ओमेगा कितना है, यहां देख रहे हैं 3.14 × 10⁸, और सी की वैल्यू होती 3 × 10⁸। ये कटा दिए भाग देंगे तो 3 × 1 = 3, फिर दशमलव लगाए, फिर आगे 1 है प्यारे बच्चों 0 उतारेंगे, फिर उसके बाद भाग देंगे तो लगभग 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, यानी 1.04 मीटर इनवर्स आएगा। ठीक, ये आएगा प्यारे बच्चों के की वैल्यू 1.04 मीटर इनवर्स। चलिए अब आइए हम समीकरण ज्ञात करते हैं, जो जो हमको ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र के लिए समीकरण, किसकी बात करें, विद्युत क्षेत्र के लिए समीकरण, विद्युत क्षेत्र के लिए जो समीकरण होने वाला वो क्या ई है। ठीक, ई नॉट की वैल्यू अभी आपने दिया ही है, आपको देख सकते हैं 120 है, फिर साइन है, फिर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आपने निकाला 3.14, 3.14 × 10⁸। ठीक, ये है, इनटू कितना है टी है, माइनस के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है 1.04x है। ठीक, ये ई के, ये विद्युत क्षेत्र के लिए समीकरण हो गया। अगर कोई पूछा इसकी दिशा किधर है प्यारे बच्चों, तो आप क्या बताएंगे, इसकी दिशा होती है जो, इसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्यारे बच्चों, वो आप क्या बताएंगे, आई बता दीजिएगा। ठीक, क्योंकि एक्स अक्ष के अनुदिश हुआ। अब आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए, किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए समीकरण। अगर हम चर्चा करें चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो समीकरण होता है वो है बी इक्वल टू बी नॉट। बी नॉट की वैल्यू आपने निकाला अभी ही 40 × 10⁻⁸, 40 × 10⁻⁸। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद है आपका साइन ओमेगा टी। तो साइन
ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आपकी है, ओमेगा ओमेगा की वैल्यू आपने निकाला 3.14 गुणित 10 घाते कितना है, 8 है, कितना है प्यारे बच्चों, 8 ही है। फिर इंटू टी है, फिर माइनस के की वैल्यू 1.04 एक्स। ये रहा आपका चुंबकीय क्षेत्र के लिए, रहा ये रहा आपका विद्युत क्षेत्र के लिए समीकरण, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये भी प्रश्न आपका प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछा गया है। एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 3×10⁻⁴ टेस्ला है, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात बी नॉट की वैल्यू दी गई है। कितना दी गई है प्यारे बच्चों, बी नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, बी नॉट की वैल्यू है 3×10⁻⁴ टेस्ला। ये टी की, अब बी की वैल्यू है। वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता मतलब ई नॉट आपको फाइंड आउट करना है, साथ में वैद्युत क्षेत्र के संगत औसत ऊर्जा का घनत्व, औसत ऊर्जा का घनत्व करना, औसत ऊर्जा का जो है आपको घनत्व यहां पर ज्ञात करना है। तो आइए हम ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों औसत ऊर्जा का घनत्व। तो सबसे पहले अगर हम औसत ऊर्जा का घनत्व हमको ज्ञात करना है, तो मुझे पहले ये जो चीज दी है वो ज्ञात करना, वो नहीं किए होते ज्ञात करने के लिए तो भी मुझे ज्ञात करना पड़ता। तो चलिए सबसे पहले अगर हम वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान ज्ञात कर लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान, तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान की बात करें तो शिखर मान ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा बी नॉट इंटू सी। अब बी नॉट की वैल्यू आपके पास है 3×10⁻⁴, सी की वैल्यू है 3×10⁸। 3×9 और 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो 10⁴ आ जाएगा, आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ये भैया ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ये चीज आपकी ई नॉट हो गई। क्या इतनी बात क्लियर हुई, ये ई नॉट है। अब आपको औसत ऊर्जा घनत्व चाहिए, क्या चाहिए, औसत ऊर्जा घनत्व। आइए हम उसी की चर्चा करते हैं। औसत ऊर्जा घनत्व, अब हम औसत ऊर्जा घनत्व की चर्चा करते हैं, जिसे हम यू नॉट से व्यक्त कर रहे हैं, होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, ई स्क्वायर। अब आपको E की वैल्यू, E तो नहीं पता है, परंतु हम E को बदल सकते हैं प्यारे बच्चों, E को बदला जा सकता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं E इक्वल टू होता है E नॉट अपॉन अंडर रूट 2, और ये फार्मूला हम कहां से ले रहे हैं, I इक्वल टू I नॉट अपॉन अंडर रूट 2 पढ़े थे ना, वहीं से। अब बताओ यहां आ जाएगा E नॉट बटे अंडर रूट 2 का, चलिए वैल्यू रख सकते 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85×10⁻¹। फिर ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू ये है 9×10⁴ का होल स्क्वायर। फिर अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों, केवल 2 आ जाएगा। अब इन्हीं को हल करना है, आइए थोड़ा सा कैलकुलेटर की मदद लेते हैं। गाइस थोड़ा सा यहां पर आपका जो 10^17 होना चाहिए था, 10^ कितना होगा, 12 होगा। चलिए अब हम इनको हल करते हैं, इनको हल करते हैं, आइए देखते हैं। तो एक क्या आ जाएगा, 2×4 1/4 होगा 8.85, ठीक 8.85 गुणे 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आ जाएगा। फिर 4 का वर्ग करेंगे 8×4 2×8 तो 10^8×10⁻¹। आई 12 में से 8 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद अब इन्हीं को हल करते हैं, तो लगभग आप जब इनको हल करोगे, सारा चीज हल करोगे, तो हल करके तो हमने पहले से रखा होगा प्यारे बच्चों, देखते हैं। तो इनको जब आप हल करोगे तो आएगा 1.792, इन्हें आप हल करोगे तो 1.792 जूल प्रति मीटर क्यूब, सॉरी पावर, पावर गुणे 10^-2 जूल प्रति मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आने वाला है प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 का।
तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न है, एक इंगस्ट्रॉन और पांच इंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य की एक्स किरणों की भुजाओं का अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। जो कि प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए गाइस प्रश्न नंबर पांच की बात करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, हमने सवाल भी पढ़ा है। क्या है? अब ध्यान दीजिए, आपने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था आर इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा। तो हम इस फार्मूले से ये कह सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल है वन बटे लैम्डा के। अगर हम यही ई के पदों में लिखना चाहे तो ई प्रोपोर्शनल है वन बटे लैम्डा के। यानी ये वाला जो सूत्र है भैया, ये सूत्र इस प्रश्न के लिए काम करने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं जरा से, ई प्रोपोर्शनल वन अपॉन लैम्डा। अब वो पहला और पांचवे की बात कर रहे हैं, पहले और पांचवे के प्रश्न में। तो यानी अगर हम बात करें ई वन का, ई वन प्रोपोर्शनल हो जाएगा वन बटे लैम्डा वन, समीकरण नंबर एक। अगर पांचवे की बात करें, ई फाइव इक्वल टू प्रोपोर्शनल हो जाएगा वन अपॉन लैम्डा फाइव, समीकरण नंबर दो। अब हम करते क्या है, अगर समीकरण एक बटे क्या कर दे, समीकरण दो कर दे, तो भैया ई वन अपान क्या हो जाएगा, ई फाइव इक्वल टू वन अपान लैम्डा वन, वन अपान लैम्डा फाइव। लैम्डा फाइव ऊपर चला जाएगा तो ई वन अपान ई फाइव इक्वल टू लैम्डा फाइव अपान लैम्डा वन। इसकी वैल्यू पांच एंगस्ट्रॉन बटे एक एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन एंगस्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा, जो तो अनुपात आएगा वो आ जाएगा ई वन अपान ई फाइव बराबर पांच अपान एक, अर्थात ई वन अनुपाते ई फाइव इक्वल टू पांच अनुपाते एक। ये रहा आपका जो प्रश्न का जवाब, प्रश्न नंबर पांच। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर छह की। प्रश्न नंबर छह क्या कर रहा है, एक कुलिज नलिका में कैथोड एवं लक्ष्य के बीच विभवांतर 24.8 किलो वाट है। यानी जो अगले प्रश्न का बात करने वाले हैं छह नंबर का, वो है विभवांतर V इक्वल टू 24.8 किलो वाट। तो हम किलो को हटा दें तो 24.8 गुणे 10 घाते 3 वाट हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या कर रहा है, उत्सर्जित एक्स किरणों की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की गणना करना है। उत्सर्जित एक्स किरणों की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा मिनिमम ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों हम लैम्डा मिनिमम आराम से ज्ञात कर सकते हैं, चलिए ज्ञात करें। तो लैम्डा मिनिमम यानी एक्स किरणों की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, एक्स किरणों की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की बात करें अर्थात लैम्डा मिनिमम इक्वल टू होगा एच सी अपान वी ई वी। ठीक, अब एच की वैल्यू प्लांक नियतांक होता है प्यारे बच्चों 6.62 गुणे 10 घाते माइनस 34, सी की वैल्यू 3 गुणे 10 घाते 8, और ई ई यानी यहां इलेक्ट्रॉन बोल्ट होगा स्मॉल ई, स्मॉल ई की वैल्यू है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19, वी की वैल्यू है 24.8 गुणे 10 घाते 3। चलिए अब कुछ कैंसिल कराते हैं प्यारे बच्चों, 19 से ये कट जाएगा तो यहाँ 15 बचेगा, कितना बचेगा माइनस 15, और ये 3 से कट जाएंगे तो यहाँ 5 बचेंगे। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी प्यारे बच्चों? चलिए अब आइए देखते हैं, 6.62 गुणे 3 बचा है यहाँ 15, 15 में से 5 घटा दिएंगे 10 आ जाएगा, 10 घाते माइनस 10। अब नीचे बचा है 1.6 गुणे 24.8, अब इन्हीं को हल करना है, इनका 3 से गुणा कर दीजिए
तीन दूनी छह, फिर 3 6 18, 3 6 18 19, 19.86। इनका इनसे गुणा कर देते हैं प्यारे बच्चों, गुणा करके भागोग दे देते हैं। गुणा करेंगे तो 39.68 आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, गुणे 10 घाते -10। अब इन्हीं को भाग देना है, 19.86 / 39.68, तो भाग देंगे तो लगभग 0.5005 आता जाएगा, गुणे 10 घाते -10। अब हम क्वाड्रेंट के एक अंक उधर कर लें, एक अंक उधर लेके जाएंगे प्यारे बच्चों, तो जब हम एक अंक उधर ले जाएंगे तो 5.005 आएगा, गुणे 10 घाते -11। तरंग दैर्घ्य पूछा तो मीटर होता है। ठीक प्यारे बच्चों, ये लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ गई। इस प्रकार आपका छठा प्रश्न सॉल्व होने वाला है। प्यारे बच्चों, सातवां प्रश्न आपको स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा। आइए हम सातवें की बात करते हैं, आखिर क्या कह रहा है। एक परिवर्तनीय एसी आवृत्ति संधारित्र में लगाई गई है, आवृत्ति बदलने पर विस्थापन धारा कैसे बदलती है। आवृत्ति बदलने पर धारा कैसे घटती है और कैसे बढ़ती है, यही आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, XC=1/2πfc। अगर हम यहां से बात करें तो XC व्युत्क्रमानुपाती होगा आवृत्ति के। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं? यानी XC होता है धारिता के कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिरोध, ये जो है आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आवृत्ति बढ़ेगा यफ इंक्रीज करोगे, क्या आप बात समझ पा रहे हैं? आवृत्ति बढ़ाओगे तो एक्सी जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। और अगर इसका उल्टा एक्ससी बढ़ाओगे तो आवृत्ति घट जाएगी, इस बात को समझिएगा। और जो धारा होती है आई, वो प्रोपोर्शनल होती है 1/xc के। यानी प्यारे बच्चों, xc बढ़ेगा तो धारा घट जाएगा, और धारा अगर xc कम होगी तो धारा बढ़ जाएगी। तो यही चीज आपसे शायद पूछ भी रहा था प्यारे बच्चों, यही पूछ रहा था। यानी जैसे जैसे प्यारे बच्चों, अब आप कहोगे ये आपने कहां से पाया, तो ये वाला फार्मूला I=V/R, I प्रोपोर्शनल होता है 1/R। अब R भी प्रतिरोध है और XC भी प्रतिरोध है, तो ज्यों XC की वैल्यू कम रहेगी त्यों धारा की वैल्यू ज्यादा रहेगी, अब चाहे वो आपका जो भी धारा हो। और जैसे ही धारा की एक इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं सवाल के साथ आज जिस टॉपिक की न्यूमेरिकल थी, अर्थात विस्थापन धारा पे जो आधारित सवाल थे, वो कंप्लीट होते हैं प्यारे बच्चों। वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा प्यारे बच्चों, परंतु आपके लिए एकदम जानदार और जबरदस्त है। तो आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।